हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नाम विपुल। आज का वीडियो जो है बैटरी रिपेयर के ऊपर है। ये आप देख रहे हैं जो वीडियो के स्क्रीन के सामने, ये ओकाया की लिथियम बैटरी है। 48 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट 86 एम्पियर की ये बैटरी है। प्रिस्मेटिक सेल्स बनी हुई है। ये बैटरी के सारे सेल्स पूरी तरीके से डेड है, मतलब पूरे सेल्स की वोल्टेज 0 वोल्ट पे है। अभी कल हमारे पास ये बैटरी आई थी रिपेयर होने के लिए और इसको हमने ओपन किया है। और ये अभी मैंने इसको ओपन करके देख चुका है, अभी मैंने आपके लिए कवर करके दिखाया हुआ है कि कैसे रहता है। ये ओकाया का लिथियम बैटरी है, इस प्रकार की इसमें केसिंग आती है, काफ़ी प्रोफेशनल बिल्ड है ये देखिए। और इसमें कई सारे डिजिटल कंसोल्स पैनल वगैरह भी है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, इस प्रकार का ये इसमें ढक्कन लगा रहता है, काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी है। इसको हम साइड में रखते हैं। और ये अंदर का ये बैटरी जो बना हुआ है वो प्रिस्मेटिक सेल से बना हुआ है। यहाँ पे इसका ये BMS है और BMS कनेक्शन वगैरह हमने पहले ही खोल के देख चुका है। इसको हम साइड में करते हैं। इसका हमने यहाँ से नेगेटिव पॉइंट BMS हटा दिया ताकि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग BMS को कोई डैमेज ना हो। सारे कनेक्शन हमने पहले ही ओपन करके रखे हुए। एक एक करके मैं आपको भी इसका वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ हर सेल का। अलावा यहाँ पे हमें इस मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 पे कर लिया है और मेज़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला नेगेटिव सेल है, यहाँ से यहाँ तक भी मेज़र करते हैं तो देखिए वोल्टेज 0.13 है। नेक्स्ट वाले सेल पे मेज़र करते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज 0.1 है। अभी नेक्स्ट वाले सेल में 0.11 है, 0.009 है। और मैं आपको टोटल आपको दिखा दूँ। और ये वाला सेल हमने जो कल था इसको हमने ऑन किया हुआ है, ये देखिए इस सेल का वोल्टेज आप देखेंगे तो 2.97 है जो कल हमने ऑन किया। इसका ही वोल्टेज बाकी सेल की जैसा ही था। और मैं ओवरऑल आपको बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव पे है, ये पॉजिटिव है बैटरी का और ये बैटरी का ये नेगेटिव है। यहाँ पर सब कनेक्शन था, इसको हमने हटा दिया है। बैटरी का ओवरऑल वोल्टेज 4.91 है। इसको हम बाकी करेक्शन मेजर करके जैसे ही हो जैसे होता है प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, शाम का समय हो गया है, हमने लगभग सारे सेल चालू कर लिए हैं और अभी मैं आपको बैटरी का वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मल्टीमीटर को हमने 200 पर सेट कर लिया। एक पॉइंट हम यहाँ पे पॉजिटिव पे लगाएंगे, ये एक पॉइंट हमने पॉजिटिव पे लगा लिया और दूसरा पॉइंट हम ये बैटरी के नेगेटिव पे लगाते हैं। 53 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे लगाते हैं तो भी 53.8 वोल्ट आ रहा है। और एवरी सिंगल सेल का भी आपको वोल्टेज में अनुमानित बता दूँ, देखिए 3.3 है, 3.36 आ रहा है, 3.678 आ रहा है, 3.67 के बीच में आ रहा है। तो अभी बैटरी में बैलेंसिंग का इशू भी है तो अभी उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है। आज ये बैटरी कल हमने चार्ज की थी और इसको हमने बैलेंस कर दिया है। अभी मैं आपको इसका वोल्टेज मेज़र करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है और अभी हमने इसको चार्ज पे लगाया हुआ था डायरेक्ट, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को 20 पे सेट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ वोल्टेज। देखिए बैटरी का वोल्टेज 57.7 है, 50 चार्जर का जो कट ऑफ है वाले वो 58 है वैसे इसमें देखा जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 57.6 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी 57.6, दोनों पे लगभग वोल्टेज सेम है। और एवरी सेल का मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेल का ये देखिए, फर्स्ट सेल का जैसे ये इस पर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इस पर देखिए 3.58 है। सेल ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो चुके हैं
बैटरी रेडी हो गई है और बैटरी पे यहाँ पे कैपेसिटी इंडिकेटर भी है साथ में दिया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार का इंडिकेटर है, इस पर बैटरी का एज दिखाता है। ये इतना एक्यूरेट तो नहीं है, देखिए इसमें बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है, कितने परसेंट चार्ज है वो दिखा रहा है, और इसमें करंट कितना जा रहा है ये दिखा रहा है। 0.001 एम्पियर जा रहा है, जो कि ये खुद पावर कंज्यूम कर रहा है। बैटरी ये ऑलमोस्ट पूरी रिपेयर हो गई है, सारे सेल इस पर डेड कंडीशन पे थे और हमने सारे सेल को ऑन कर दिया है। आज का वीडियो बस इसी के लिए था। आप में से भी जिसको भी अपनी बैटरी वगैरह रिपेयर करवानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको ये सेल दिखा रहा हूँ, 98% चांसेस है कि इस बैटरी में भी सेम यही सेल इस्तेमाल किए गए होंगे। ये देखिए ये गैंग फैंग का है, 86 AH का और 3.2 वोल्ट का, सेम इसी की जैसा है जैसे उस पर दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है सेम इसी जैसा सेल है, हाइट भी लगभग सेम है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेल एक ही हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो वाइट कलर का पोर्शन है उस पर नेगेटिव है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये देखिए ये वाइट कलर का ये पोर्शन है इस पर भी ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है। एक पहचान ये हो गई, दूसरी पहचान ये है जो ब्लैक कलर का हिस्सा है इस पर दिख रहे हैं ये, इस पर पॉजिटिव बना हुआ है। तो आप ये देखेंगे ये ब्लैक कलर का हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ये साइड पर पॉजिटिव दिखाई देता है, ये देखिए साइड से वीडियो की स्क्रीन पे तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा पॉजिटिव बना हुआ है। और तीसरी पहचान इससे ये होती है, इसका आप देखिए QR कोड, इसका QR देखिए और वो जो सेल रखे हुए उनका QR देखिए, उस पर भी मार्किंग सही है, एक ही जैसी है मार्किंग, GFB इस पर भी लिखा हुआ है, GFB इस पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए GFB करके लिखा हुआ है, 3.2 वोल्ट 275 वाट आवर, इस पर भी वही लिखा हुआ है, देखिए इस पर भी वही लिखा हुआ है GFB करके 3.2 वोल्ट 275 वाट आवर। अब इस बैटरी में ये प्रॉब्लम आई क्यों थी, इसके यूज़र ने क्या किया था, बैटरी को पूरी तरीके से इसने पहले तो यूज़ करके खाली करके, मतलब जो बैटरी BMS कट ऑफ हो जाता है, जब बैटरी खाली हो गई थी उस यूज़र ने उसको लगभग 2 साल के लिए छोड़ दिया था, बैटरी एक तो खाली कर दी और उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया यूज़ करके, और एकदम पूरी डेड कंडीशन पे चली गई थी। इसको हमने रिकवर किया है और इसमें ज़रूर कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, 86 AH थी और इस पर लगभग 78 AH अभी करेंटली इस पर आ रहा है।